नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जिला अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष में सोते दिखे आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट ड्यूटी से रहे नदारद। कन्नौज जिला अस्पताल में दिन ब दिन लापरवाही भरा सिलसिला बढ़ता जा रहा है। शनिवार को जिला अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष में आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी ड्यूटी पर सोते नजर आए, तो वहीं बगल में मौजूद फार्मासिस्ट कक्ष से फार्मासिस्ट भी नदारद रहे। चिकित्सकों को इसी रवैये के चलते मरीजों को दुश्वारियां का सामना करना पड़ता है। बताते चले कि जिला अस्पताल के चिकित्सकों के हीला हवाली रवैया के चलते अधिकांश मरीजों को गैर जनपदों में रेफर कर दिया जाता है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों पर क्या कार्यवाही करते हैं। कन्नौज से जिला संवाददाता सीबू सैनी की खास रिपोर्ट। जिला अस्पताल में भ्रमण किया है, किस तरीके से कमियां पाई गई हैं? एक तो साफ सफाई और थोड़ी ज्यादा चाक चौबंद होनी चाहिए, उसके लिए हमने स्वीपर को और इनके सुपरवाइजर्स को सबको अभी बताया है, क्योंकि ये संक्रमण काल है, जितना ज्यादा साफ सफाई रखी जाएगी उतनी ही अच्छी व्यवस्था होगी और उपचार में उतना ही मदद मिलेगा। दूसरे कुछ एक उसमें जो फीवर के केसेस आ रहे हैं उनके नियमित मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए, वाइटल्स की, पल्स की, इन सब के लिए निर्देश दिए हैं और समय समय पर उनके रक्त की जाँचें होती रहें। वायरल की कंडीशन पहले से तो कुछ नीचे हुई है और जो एस्टैब्लिश डेंगू केसेस हैं वो भी कुछ कम हुए हैं, क्योंकि अब तीन चार करके दिखाई दे रहे हैं और वायरल का प्रकोप है लेकिन उतना नहीं है जो आज से एक सप्ताह पहले थी। आज जैसे हमारे पास 56 मरीज फीवर के आए थे, जिनमें से हम लोगों ने 16-11 मरीज हम लोगों ने भर्ती करे हैं। और अगर नॉर्मल दिन की बात की जाए, अब आज के दिन वायरल की अगर बात की जाए, तो वायरल की संख्या लगभग कितनी बढ़ी है? नॉर्मल डेज में से तो कम से कम डेढ़ से दो गुना का इजाफा है, क्योंकि ये वायरल संक्रमण काल भी है, ये नॉर्मल ही है डेमोग्राफिक प्रोफाइल उसका, पर ये है कि जो सामान्य दिनों में हम लोग देखते हैं उससे डेढ़ गुना दो गुना लगभग का। सर, कहने की जानकारी, कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है कि उच्च अधिकारियों के द्वारा निर्देशित किया गया है कि डेंगू की जाँचें कुछ कम की जाए, कुछ ऐसा कुछ मामला नहीं? ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं है। ये तो जो चिकित्सक उपचार कर रहे हैं उनके विवेक पे ये निर्भर करता है कि वो जिसको भी समझेंगे उसका डेंगू का जांच होगा या मलेरिया का जांच होगा और ये अवश्य रूपण हो रहा है। जैसे कि आज भी हम लोगों ने 32 डेंगू के केसेस लगाए थे, जिनमें से 4 के सैंपल्स हम लोग भेज रहे हैं। सर, इमरजेंसी में डॉक्टर के सोते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ देर पहले का बताया जा रहा है, ये पूरा क्या मामला? नहीं, वो हम भी भ्रमण पे आए थे, वो सोते हुए नहीं, वो आराम कर रहे थे और चूंकि मरीज़ नहीं था इसलिए तो फिर उन्होंने हमारे साथ राउंड भी करी। डेंगू का इस समय बहुत ज़्यादा है, पूरे उत्तर प्रदेश में महामारी चल रही है और इस समय आराम करने के बजाय डॉक्टर साहब सो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो चूँकि उस वक्त पेशेंट नहीं थे, मैंने उनसे जानकारी ली तो वो थोड़ा सा आराम कर रहे थे। ठीक, ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।